सलॉट आप सभी को जय मसीह की, खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलस नीम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेरे भाइयों मेरी बहनों इससे पहले कि मैं ये तीन खुशखबरियाँ आपके साथ बांटूँ मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ मैं चाहता हूँ ये तीनों खुशखबरियाँ दुनिया के हर व्यक्ति को मिलें दुनिया के हर मसीह को मिल पाए इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करें ग्रुप्स में फेसबुक पे ताकि लोगों के आ, लोगों को ये खबर पहुंच सके इससे पहले कि मैं आपके साथ एक ये तीन खुशखबरियाँ बांटू मैं उससे पहले आपके साथ कुछ आपको कुछ बोलना चाहता हूं आप जानते होंगे कि <clears throat> पहले के दिनों में जब प्रेरितों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई और बाइबल बताती है बड़े ही दृढ़ता और बड़े ही हया विद बोल्डनेस उन्होंने गॉस्पल सुसमाचार खूब खुशखबरी को शेयर किया और जैसे ही पतरस के प्रचार के बाद तीन हजार लोग उसके साथ जुड़ गए उस जो पहली कलिसिया बनी आप देखते होंगे पहले की कलीसिया में जब पहली बार यीशु मसीह के नाम का रिवाइवल आया इसराइल के अंदर सब लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के प्रेरितों के पाँव पर रखते थे वे सब एक साथ रहते थे दुआएं करते थे कलाम सुनते थे एपोस्टल्स के पैरों पर बैठ के उन टीचिंग्स को सुनते थे और आप उन दिनों में देखिए क्या हो रहा था सब सामर्थ्य होते जा रहे थे ताकतवर होते जा रहे थे एक व्यक्ति के मरने के बाद भी वो लोग वहाँ पर जैसे स्टीफन मरा याकूब मरा तलवार से उसके बाद भी वहाँ पर स्टैंड थे खड़े थे आज मैं चाहता हूँ ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम हमारे ये दिन हमारे वापस आए जब हम मसीह की दे हम सब लोग उतने स्ट्रॉन्ग बने लेकिन मैंने एक रीज़न फाइंड किया इन दिनों में जिसके बाद मैंने इस रीजन पे काम करना भी स्टार्ट किया मैंने देखा कि पहले की कलीसिया में जितनी ताकत थी लेकिन आज जो कलीसिया है वो प्रभु की कलीसिया है और मैं जानता हूँ प्रभु ने उसे बनाया है लेकिन एक चीज़ जो हमें मिसिंग है वो है फोकस याद रखिए खुदा ने अपनी ताकत नहीं खोई है खुदा के पास आज भी वो ताकत है लेकिन वो सेम ताकत आज बहुत सारी कलीसियाओं में और बहुत सारे बिलीवर्स में क्यों नहीं है उसका रीज़न है बिलीवर्स ने अपना फोकस खो दिया है बहुतों का ध्यान खाने पीने में शादी ब्याह में घूमने फिरने और घर बनाने में लग गया है जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि अंतिम समय में लोगों का मन खाने पीने में शादी ब्याह में और मैं कुछ बातें एडिट करना चाहता हूँ यहाँ फ़ोन में रिश्तों को निभाने में रिश्ते निभाना पाप नहीं है लेकिन रिश्ते ही निभा रहे हैं तो खुदा में ध्यान नहीं है मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ क्या आप इन दिनों में जूझ रहे हैं कि ब्रदर मैं चाहता हूँ प्रभु में बढ़ना लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाता मेरा ध्यान बहुत सारी जगहों पर भटक जाता है पुरानी बातों में आगे की बातों में मेरे भाइयों मेरी बहनों मैंने इन दिनों में जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ा तब मैंने क्या देखा परमेश्वर ने अपनी ताकत नहीं खोई है हमारा खुदा वही खुदा है जिसने लाल समुंदर को भाग किया जिसने यहूसू के द्वारा यरियो की शहर पना गिराई जो दानियल की सेहों की मांग में उसे बचाने के लिए उतरा जो शतरक मेशक अभेदनों को आग की ज्वाला में आकर उसे बचाया वही परमेश्वर जिसने एलिया एलिशा की कुल्हाड़ी को उसने पानी में तैराया आप देख सकते हो इसाक ने बंजर जमीन में जोता बोया और उसने फल पाया सौ साल की इब्राहिम की उम्र का एक व्यक्ति जो इब्राहिम था उसने बच्चे को पाया और आप आगे चल के देख सकते हो परमेश्वर ने कैसे चालीस साल उन्हें मन्ना दिया चट्टान से पानी निकाला बाइबल बताती है उसने एलिशा के द्वारा मुर्दों को जिंदा किया उसने हनो हनोक और एलिया को जीवित उठाया परमेश्वर आज भी वैसा ही है लेकिन याद रखिए आज कई बार वो कलिसिया पे वैसे रिवील नहीं हो पाता जैसे वो पहले के दिनों में होता था क्योंकि कलीसिया में कई सारे लोगों ने और कई सारे लीडर्स ने भी अपना ध्यान हटा दिया है वे अपना फोकस खो चुके हैं मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ हर एक को जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं ये खबर ये सूचना मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल के उन विद्यार्थियों के लिए दे रहा हूँ जो सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं मैं किसी पास्टर मैं किसी भी हमारे प्रभु के दास के खिलाफ नहीं हूँ मैं जस्ट अपने कामों की घोषणा कर रहा हूँ जो मुझे खुदा ने दिए हैं मैं जानता हूँ अगर आप किसी चर्च में ऑलरेडी कनेक्ट हैं ऑलवेज ऑनर योर पास्टर लेकिन मैं आज आपके लिए एक खबर ये लेकर आया हूँ कि हम तीन इवेंट्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं थ्री इवेंट्स एक काफ़ी टाइम से चालू है लेकिन दो ब्रांड न्यू है जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं आज रात साढ़े नौ बजे हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू कर रहे हैं चैप्टर वन से लेके ट्वेंटी टू तक इन लास्ट पंद्रह सालों में मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि ये जो सिंहासन के सामने जो क्रिएचर खड़े हैं जिनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें हैं ये कौन है ट्रिपल सिक्स की छाप क्या है मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है ये जो सफ़ेद घोड़े पे आ रहा है ये कौन है जीसस है कि एंटी क्राइस्ट है वह स्त्री जो प्रेग्नेंट है जिसको अजगर खाने पर है वो कौन है कैसे न्याय होगा कैसे कलीसा उठा ली जाएगी क्या कलीसा को सताव फेस करना पड़ेगा एक लाख चौवालीस हजार लोग कौन हैं ब्रदर नया यरूशलम क्या है जब हम एक दूसरे से स्वर्ग में मिलेंगे तो क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज Uh, मेरी सेवकाई में मुझसे पूछे गए और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सारे सवालों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं लेकिन मैंने उससे उत्तम तरीका प्रभु ने मुझे ये दिया कि हम प्रकाशित वाक्य के हर अध्याय के ऊपर एक वीडियो बनाएं और मैं उस परमेश्वर की दासी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी स्टडी मेरे साथ शेयर की और हमने कंबाइन स्टडी बनाई इसे और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ आज पहला वीडियो आज रात साढ़े नौ बजे हम द स्पिरिट एंड द ब्राइट से कम पेज पे चैनल पे हम ला रहे हैं अगर आपने उस चैनल को अब तक विजिट नहीं किया है आ, अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन है और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको नीचे आ, इसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ जाइए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ऑलरेडी वहाँ पर वीडियो भी हैं कुछ और कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं कुछ कोर्ट्स पढ़े हैं आप वो भी पढ़ सकते हो कम्यूनिटी जो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है तो आज मैं पहली घोषणा ये कर रहा हूँ कि आज से हम प्रकाशित वाक्य के बावीस अध्यायों पर एक अध्ययन कर रहे हैं हम बहुत जल्द आपसे आने वाले इक्कीस अध्याय भी शेयर करेंगे आज हम पहला वीडियो डाल रहे हैं जो पूरा एक्सप्लेन करेगा आपको कि क्या है पहला अध्याय और मैं बिलीव करता हूं मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं हर व्यक्ति को परमेश्वर ने यूनिक मिनिस्ट्री दी है लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये वीडियो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करेगा और आपको प्रकाशित वाक्य की स्टडी स्टडी पर एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा रेवोलेशन देगा आपको तो पहली अनाउंसमेंट ये है लिंक ऊपर नीचे हर जगह दी गई है आप जाइए और ठीक साढ़े बजे आज ये वीडियो हम स्पिरिट एंड द ब्राइट से इस कम पेज पर पे हम uh, चैनल पर हम डाल रहे हैं और दो अनाउंसमेंट्स हैं अब ये अनाउंसमेंट उनके लिए है जो लाइव मीटिंग सुनना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं हमारे महाराष्ट्र में अभी भी चर्चेस बंद हैं यस हमें ऑर्डर मिला है हम आने वाले दिनों में शुरू करेंगे लेकिन आ, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं हर एक को हम ट्यूसडे फ्राइडे संडे तीन दिन जूम पे मिलते हैं एक ही टाइम है सेवन टू एट थर्टी पी मैं शुक्र करता हूँ उन लोगों का भी जो विदेश से हैं और आधी रात को नींद खराब करके वे बेचारे हमारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं खुदा बन उन्हें बरकत दे मैं आप में से हर एक को न्योता देता हूँ अगर आप चाहें तो आप भी हमारी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं अब आपके अंदर एक सवाल होगा बता लिंक कहाँ मिलेगी लिंक दो जगहों पर मिलेगी आपको एक टेलीग्राम पर एक हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक हमने नीचे दी है और अगर आप चाहते हो कि हम आपको लिंक जूम की व्हाट्सएप करें तो आप इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है नाइन एट डबल टू वन सेवन जीरो एट एट सिक्स आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना जेंडर क्या बहन हैं कि भाई हैं क्योंकि हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं बहनों का अलग है भाइयों का अलग है ताकि हम सेफ रहें और पवित्रता बनी रहे इसलिए हमने अलग रखे हैं अगर आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको आने वाले दिनों में ग्रुप में जोड़ेंगे और आपको लिंक्स मिलती रहेंगी और याद रखिएगा जूम मीटिंग लाइव में सिर्फ तीन हज़ार सीट्स ही हैं हमारे पास अगर आप टाइम पे आएंगे आपको सीट मिल जाएगी अदरवाइज़ आप अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर आप सेवन सेवन फिफ्टीन के बाद आएंगे तो अब एक आखिरी अनाउंसमेंट जो बहुत ही खूबसूरत अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि ब्रदर प्लीज़ आप अपने वीडियोज़ इंग्लिश में भी बनाइए तब हमने डिसाइड किया और हमने प्रेयर की और आज रात को साढ़े नौ बजे हम एक वीडियो हम यहां पर डालेंगे द स्प्रिंट एंड द ब्राइट कम पे और एक वीडियो हम अपने न्यू चैनल पे डालेंगे जो हमने बनाया है उसमें मैंने हिंदी में प्रीच किया है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो सिर्फ मात्र अंग्रेज़ी और इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं आप उनसे हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं ये स्पेशली हमने एब्रॉड और उन लोगों के लिए बनाया है जो इंग्लिश सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और उस चैनल की लिंक भी ऊपर और नीचे हमने दे रखी है और आप चाहें तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज के वीडियो को आप रात को साढ़े नौ बजे वहाँ पर देख सकते हैं और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ मैंने मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था रेवलेशन चैप्टर वन के वीडियो का और आपके जूम पे आने का और थर्ड इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश वीडियोस का मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और अगर आपको इन तीनों खुशखबरी को सुन के आपको बड़ी खुशी हुई तो आप कमेंट्स में हमारे साथ रिएक्ट कर सकते हो हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इन इवेंट्स को प्रभु ने शुरू करने के लिए हमें ग्रेस दिया अनुग्रह दिया फजल दिया इसके लिए हम अपने हाथों को उठा के सारी महिमा प्रभु को देते हैं हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएंगे आप सभी को जय की